हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नौकरी से रिलेटेड है। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों के बारे में बताने वाला हूं। यह जो 917 पद हैं उत्तर प्रदेश में आया है, यानी उत्तर प्रदेश अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 9 जुलाई 2022 है, यानी आज ही से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है आज से ही है, यानी 9 जुलाई 2022 से है। ऑनलाइन आवेदन है तो रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2022 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022 है। और कुल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न विषयों में 917 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। नीचे मैं बताऊंगा कि किन किन विषय में 917 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे विषयवार डिटेल जानकारी दिया गया है, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित डिटेल जानकारी दी गई है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो फ़ोटो अपलोड करना है, उसकी साइज़ के बारे में कि कितना साइज होनी चाहिए, कैसे अपलोड करना है, ये सब डिटेल जानकारी दिया है। जो 917 असिस्टेंट प्रोफेसर का विभिन्न शासकीय विद्यालयों के लिए जो पद आया है, इस पद के लिए अप्लीकेशन शुल्क की हम बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 2000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2000 अप्लीकेशन शुल्क हैं। अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के लिए 1000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। इसके अलावा जो अप्लीकेशन शुल्क के अलावा जो गेटवे चार्ज होता है, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी चीज़ से आप पे करेंगे तो जो चार्ज लगेगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया है। तो डेबिट कार्ड से आप पे करेंगे तो कोई भी गेटवे चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अन्य किसी से भी आप पेमेंट करते हैं तो आपके लिए गेटवे चार्ज लगेगा, और UPI से पे करेंगे तो इसके लिए भी कोई भी गेटवे चार्ज नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे अपडेट और नई वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इसमें कुल पद की बात करें तो कुल 917 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और इसकी डिटेल जानकारी सारणी जो टेबल सेकंड में दी गई है, हम लेकर चलते हैं आपको सारणी, जो सारणी है टेबल सेकंड में। इससे पहले इस पद के लिए हम वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वेतनमान है 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये हैं, और जो ग्रेड पे हैं 6,000 रुपये ग्रेड पे हैं। यदि आप इस पद के लिए इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह 56 पेज का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यह एक बारीकी से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है, लगभग मोस्टली सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में जो UGC नॉर्म्स हैं वो अप्लीकेबल हैं, और आपको पता ही है कि UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एक तो मास्टर डिग्री 55% के अंक के साथ होनी चाहिए, और यह UGC नॉर्म्स के अनुसार भी है। नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या CSIR क्वालिफाई होनी चाहिए, या PhD क्वालिफाई होनी चाहिए, या नेट या स्लेट, यानी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, UGC का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार क्वालिफिकेशन है। तो यह क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न जो विषय हैं, विभिन्न सब्जेक्ट हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं,
तो यहाँ पे विषय कोड दिया है, विषय का नाम दिया है, अंतः संबंध विषय यहाँ पे दिया है। इसमें हिंदी सब्जेक्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, कला, चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, संगीत गायन, संगीत सितार एंड वादन, संगीत तबला, म्यूजिक तबला है। इसके अलावा इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, एशियन कल्चर, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सब में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बारे में किस सब्जेक्ट में कितना पद हैं मैं नीचे वीडियो में बताऊंगा। शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान या सैन्य अध्ययन, गृह विज्ञान, होम साइंस, बीएड के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। और रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है एमए इन एजुकेशन है, यानी एमए इन एजुकेशन से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विधि या कानून, वाणिज्य, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, उद्यान विज्ञान, पशुपालन एंड दूध विज्ञान में आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाकर OTR पहले फिल करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर है इसमें आप पढ़ लेंगे, आपका नाम, जीमेल आईडी, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ये सब इसके द्वारा वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैप्चा भरकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो और भी चीज़ जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जैसे फ़ोटो लगेगा JPG या PDF फॉर्मेट में, और कितने KB में फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, डॉक्यूमेंट जो अपलोड होगा वो कितने KB में होगा, सब डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि इस चैनल पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है और प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया जाता है और डेली का अपडेट वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो हैं तो चयन का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, यानी सिलेक्शन प्रोसेस है रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 अंक, सामान्य ज्ञान के लिए 60 और वैकल्पिक के 140, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए 30 अंक के इंटरव्यू हैं। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और दोनों अंक यानी 200+3 230 प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगा, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा प्रश्न पत्रों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में ही किया जाएगा, जो मुख्यालय है वहीं पे आपका परीक्षा होगा। और साक्षात्कार यदि आप परीक्षा में पास होते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपके पास जीमेल जाएगा या SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या समाचार पत्र के थ्रू या वेबसाइट पर आप विजिट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि डेली का सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे आते हैं तो जो इंटरव्यू के लिए हैं, इंटरव्यू के लिए एक निर्देश दिया है, लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की तिथि, समय और स्थान की सूचना SMS, ईमेल, समाचार पत्र, वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यह है। सेकेंड पॉइंट यह है कि इंटरव्यू के समय अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को ₹800 तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹400 मात्र इंटरव्यू शुल्क के रूप में आयोग के कार्यालय में नकद जमा कराना होगा। ये कब कराना है? जब आपके साक्षात्कार में नाम आएगा, जब आपकी सूची आएगी, तो इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जब भी आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियों के साथ आई एवं शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि में निम्नलिखित अंक प्रमाण पत्र, उपाधि के स्वप्रमाणित
दो प्रति यानी दो कॉपी इंटरव्यू के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है तो इसके लिए सीरियल नंबर 1 से लेकर और सीरियल नंबर 22 तक दिया है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है कब, जब आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे तब। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न विद्यालय में पद का नाम दिया है, तो पद का नाम आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट हैं इसमें 62 पद हैं, अर्थशास्त्र में 60 हैं, इतिहास में 25, उदान विज्ञान में 3, उर्दू में 8, एशियन कल्चर में 1, कृषि अर्थशास्त्र में 3, गणित में 24, कृषि विज्ञान में 10, चित्रकला में 9, दर्शन शास्त्र में 10, पशुपालन एंड दूध विज्ञान में 5, प्राचीन इतिहास में 19 और प्राचीन विज्ञान में 33 पद हैं। इसके अलावा बीएड में 75, भूगोल में 47, भौतिक विज्ञान में 40, मनोविज्ञान में 17, मानव शास्त्र में 4, रसायन विज्ञान में 17 और राजनीति विज्ञान में 44 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान में 48, वाणिज्य में 49, विधि में 8, शारीरिक शिक्षा में 13, शिक्षा शास्त्र में 25, संगीत गायन में 10, संगीत तबला में 3, संगीत सितार में 4, संस्कृत में 43, समाजशास्त्र में 42, सांख्यिकी में 2, सैन्य विज्ञान में 21, हिंदी में 80। इस तरह से कुल 917 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब आपको देखना है कि कौन कौन से महाविद्यालय हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो यहाँ पे महाविद्यालय का नाम दिया है, महाविद्यालय का नाम है और इसके समुच्च ये सब्जेक्ट दी गई है और यहाँ पे पद कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो भी महाविद्यालय में अप्लाई करेंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देखना है। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या सभी महाविद्यालय का नाम मैं बताऊंगा, पदवार डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी आधे घंटे से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल में जानकारी देख लीजिए कि आप किस विद्यालय में कौन से महाविद्यालय है जो आपके लिए सूटेबल है और उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, और किस महाविद्यालय में ज़्यादा पोस्ट है और किस सब्जेक्ट का पोस्ट किस महाविद्यालय में ज़्यादा है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको ये सब चेक करना है और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। आपके हो सकता है आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास के कोई महाविद्यालय हो जिसमें सीट खाली है जो इसमें दिया है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यह डिटेल जानकारी दिया है, 58 पेज का यह डिटेल जानकारी जारी किया गया है। तो फ्रेंड मैं एक बार आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। किसी दिन ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश या राजस्थान में, मैं राजस्थान में सरकारी नौकरी करता हूँ, तो राजस्थान में किसी कारणवश नेट बंद हो जाती है, कोई एग्ज़ाम होता है, तो उस दिन वीडियो अपलोड नहीं किया जाता।